गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ ज्योग्राफी. ठीक है, हमारे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है सेमेस्टर 2 का. थर्ड चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. सेकेंड टर्म में हमने क्या पढ़ा था बेटा? लास्ट चैप्टर हमने ग्लोब के बारे में पढ़ा था, मैप के बारे में पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे ग्लोब के ऊपर ये जो लाइन्स होती है, ये वाली जो लाइन्स होती है, ठीक है, जो कि इमेजिनरी लाइन है, असलियत में ये लाइंस नहीं होती. इमेजिनरी मतलब हम अपने आसान मतलब ग्लोब को रीड करने के लिए एक आसान तरीके के लिए हम लोग ये लाइंस बनाते हैं. इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. इन्हीं लाइंस को बोलते हैं. ये क्यों बनती है और क्या चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, ये हम इस चैप्टर में आगे रीड करेंगे. इन दिस चैप्टर वी आर इजीली लोकेट अ प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ विच रेफरेंस टू अनदर प्लेस. We use certain points and lines for reference. क्या होता है कि हम किसी भी प्लेस को अर्थ के ऊपर आराम से लोकेट कर सकते हैं. कैसे? जो हमने कुछ इमेजिनरी लाइन्स और पॉइंट्स बनाए हैं उनको देखकर. एक्सिस, टू पोल्स एंड अदर इमेजिनरी लाइन्स. एक्सिस बनाया हमने, दो इमेजिनरी पोल्स बनाए हैं और क्या बनाया, इमेजिनरी लाइन्स बनाई है, ताकि हम अगर हमें कोई प्लेस लोकेट करनी हो अर्थ पर तो हम कैसे करें, कैसे जो है हमारा मैप और हमारे जो ग्लोब होता है और जो हम बुक्स में बनाते हैं, हर एक चीज एक्यूरेट होती है, क्योंकि हमने कुछ चीजें अपनी मर्जी से अर्थ पर ड्रॉ मतलब असलियत में है नहीं वो. जब हमने उसका मॉडल लिया उसके ऊपर कुछ लाइन्स बनाई कि हम प्लेसेस को ऐसे लोकेट करेंगे. ठीक है, एंड दोज पॉइंट्स विच हेल्प अस टू नो मोर एंड मोर अबाउट अर्थ. और इन्हीं पॉइंट्स से हमें अर्थ के बारे में और ज्यादा जानने को मिला. विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स लाइन्स वी कैन डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द अर्थ. ठीक है, हम इन्हीं लाइन्स और पॉइंट्स से कोई भी प्लेस अर्थ पे, कोई भी प्लेस हो, ठीक है, उसको लोकेट कर पाते हैं. ठीक है, क्या कर पाते हैं, लोकेट. ठीक है बेटे, करें आगे रीड. द अर्थ इज अ स्फेयर. अर्थ क्या है, स्फेयर है. क्या है अर्थ, स्फेयर है. ठीक है बेटे, अर्थ क्या है, एक स्फेयर है. स्फेयर मतलब क्या, जो स्फेयर आप स्फेयर मतलब वो सर्कल मगर उसके बीच में जैसे बॉल होती है वो होता है स्फेयर. क्या होता है, स्फेयर. ठीक है बेटे, उसको बोलते हैं हम स्फेयर. एंड नो एजेस, और कोई भी किनारी नहीं है. अर्थ को कभी भी आपने देखा होगा तो क्या उस पर कोई किनारा बना है, नहीं, कोई किनारा जो है नहीं बना है. फ्रॉम विच यू कैन मेजर डिस्टेंस. ठीक है, कोई किनारा नहीं है जिससे आप देखें कि यार ये किनारे से ये चीज इतनी दूर है, ये किनारे से. अब क्योंकि ये चीज एक स्फेयर है तो हमें बड़ी दिक्कत होती है क्या देखने में, क्या चीज मेजर करने में, कि कौन सी जगह कहाँ पर है. अगर किनारियां होती तब तो आसान हो जाता है ना, आसान हो जाता देखना कि कौन सी जगह कहाँ पर है. बट क्योंकि हमारे पास किनारी नहीं है, पूरा अर्थ जो है उसकी शेप स्फेयर है, तो इसीलिए हमें बहुत दिक्कत होती है और इसीलिए हमने इसके ऊपर लाइंस और जो पॉइंट्स है वो बनाए. इफ देयर इज नो प्लेस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर यहाँ पर कोई भी प्लेस और पॉइंट नहीं होता रेफरेंस के लिए, यू विल बी इन डिफिकल्टी. हमें क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन. बहुत डिफिकल्ट होता किसी भी लोकेशन को बताना. ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फेयर लाइक अर्थ, एक स्फेयर पे बताना, यानी अगर कोई चीज स्क्वायर है तो हम बोल देंगे ये पॉइंट आपको दिखेगा यहां से, यानी ये कॉर्नर है यहां से इतना दूर है. मगर क्योंकि स्फेयर है, हर चीज एक जैसी है, तो देखना बहुत मुश्किल है. सो वी यूज सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइंस एज रेफरेंस. तो इसीलिए आसानी के लिए हमने कुछ पॉइंट्स और लाइंस इमेजिन करे है नहीं वो, इमेजिन करे. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. अर्थ जो है अपने एक्सिस पर रोटेट करती है. एक्सिस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द टू पॉइंट्स ऑन विच द अर्थ रोटेट. एक्सिस भी जो है, यानी जो आप अर्थ बनाते हैं, आप ऐसे बनाते हैं, ये बनाया आपने सन, ठीक है, आपने बचपन में सोलर सिस्टम बनाया होगा. आप ऐसे एक लाइन बनाते हैं, यहाँ पे मरकरी, एक बनाते हैं यहाँ पर वीनस, फिर अर्थ. ये लाइन कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगी, ये इमेजिनरी लाइन है, हमने अपने मन से माना है. इमेजिनरी मतलब जैसे मैं इमेजिन कर लूं मेरे हाथ में मिठाई रखी है. इमेजिन मतलब कि मैं ऐसा सोच रही हूं, असलियत में नहीं रखी है. ठीक है, वो होता है इमेजिन करना. ठीक है बेटे, सो वी यूज सर्टेन पॉइंट्स एंड लाइंस एंड
तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक्सिस जो है यानी अर्थ जिस पर रोटेट करती है, ऐसा कोई भी लाइन नहीं है। अर्थ जो है सन के आसपास रोटेट करती है, क्योंकि एक ही पैटर्न पर रोटेट करती है, तो हमने ऐसा मान लिया कि वहां पर एक लाइन है। देयर आर टू फिक्स्ड पॉइंट ऑन द अर्थ कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। हम ऐसे पढ़ते हैं कि यहां पर ऊपर नॉर्थ पोल होता है, नीचे साउथ पोल होता है, ये भी इमेजिनरी है, ठीक है। These points serve as basic point of reference. ये सबसे basic point है reference के, उसके बाद जो भी चीज़ हम draw करते हैं वो यहाँ से लेके यहाँ तक करते हैं। An imaginary line draw round the earth midway between the poles are called equator. यानी ये जो line है जो बिल्कुल बीचों बीच है poles के, उसको हम बोलते हैं equator. क्या बोलते हैं? Equator. The path which the earth take round the sun is called Earth's orbit. और ऐसा path जो हमने imagine किया है कि sun के आसपास Earth जो है use करता है Earth के आसपास rotate करने के लिए, उसको हम बोलते हैं Earth's orbit. The equator divide the Earth into two equal parts. जो equator है यहाँ पर, जो हमने एक line बनाई थी, ये जो equator है ये Earth को दो equal halves में बांट देता है, यानी ऊपर और नीचे का हिस्सा जो है Earth का बिल्कुल बराबर है। नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है एक और सदर्न हेमिस्फेयर है, ठीक है। ये सब आपको बताया जाएगा अभी, हेमिस्फेयर आगे पढ़ते जाएंगे वैसे। वन साइड ऑफ द लाइन इज ड्रॉ बिटवीन द टू पोल्स इन द ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन, दीज पैरेलल टू इक्वेटर। यानी एक लाइन तो हम ऐसे बनाते हैं ईस्ट से लेके, ठीक है, ये जो है इक्वेटर के पैरेलल होती है। पैरेलल मतलब आमने सामने, ऐसे ये देखो, ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है फिर ये है, ये इक्वेटर है यहां पर बना हुआ है और बाकी लाइन पैरेलल है, ठीक है। तो ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, ठीक है। ये पैरेलल लाइंस है, इनको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड लाइंस जो ऐसे लेटी होती है, और पैरेलल का मतलब समझ आ गया, जिस पैरेलल से ये आपको समझ जाना है जो इक्वेटर के पैरेलल है, और पैरेलल कौन सा है? लैटिट्यूड। तो हमें लाइन कैसे बनानी है? ऐसे, ठीक है। द अदर सेट ऑफ लाइन्स ड्रॉन जॉइन नॉर्थ और साउथ पोल, बाकी लाइन्स जो है यानी ऐसे बनती है, ठीक है। तो इसको नॉर्थ और साउथ पोल को ज्वाइन करती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? दे आर एक्चुअली सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल होती है, जैसे ये बिल्कुल राउंड है, सर्कल है, ये वाली जो लाइन होती है सेमी सर्कल होती है, ठीक है। दे आर कॉल्ड मीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। क्या बोला जाता है इनको? मीडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। हाउएवर ऑन सम मैप दे अपीयर एज ईस्ट वेस्ट, और कई मैप में ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइंस जो है ऐसे पढ़ा जाता है। विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस वी कैन डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और इन्हीं लाइन्स के कारण हम अर्थ पे किसी भी जगह की प्लेस किसी भी जगह प्लेस की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। द नेटवर्क ऑफ द पैरेलल एंड मीडियन टुगेदर इज कॉल्ड अर्थ ग्रिड। और इसी नेटवर्क को, यानी ये जो लाइंस है ऐसे सर्कल वाली और ये वाली, इन्हीं को क्या बोलते हैं? ग्रिड, ठीक है, अर्थ ग्रिड। दिस ग्रिड हेल्प अस टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और ये किस चीज में हेल्प करती है? कि हम कोई भी प्लेस जो है अगर हमें फाइंड करनी है तो हम वो इजिली जो है फाइंड कर सकते हैं अर्थ के ऊपर। लैटिट्यूड, अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड क्या होता है, ठीक है बेटे। क्या होता है लैटिट्यूड? यू नो द एक्सिस ऑफ द अर्थ विच जॉइन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इज एन इमेजिनरी लाइन। अभी तक हमें ये तो पता चल गया कि जो एक्सिस है जो नॉर्थ और साउथ पोल को जॉइन करती है, यानी जो लाइंस है वो क्या है? एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है? एक इमेजिनरी लाइन। द इक्वेटर इज ऑल्सो इमेजिनरी। अब सब इमेजिनरी है तो इक्वेटर भी जो क्या है वो भी इमेजिनरी है। एंड इज इट्स एंड इज मिडवे ऑफ द पोल्स, और पोल्स के बिल्कुल बीचों बीच पड़ता है, ठीक है। दस इट इज इजी टू स्टार्ट एट इक्वेटर वाइल मेजरिंग डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ। और इसलिए बहुत आसान हो जाता है ये करना कि अगर हम इक्वेटर से स्टार्ट करें, चाहे हम कोई भी डिस्टेंस फाइंड करें नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ। लैटिट्यूड इज मेजर ऑफ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ गिवन पॉइंट फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड जो है एंगुलर डिस्टेंस पे बना होता है, मतलब कुछ इक्वल डिस्टेंस पे बना होता है इक्वेटर से। इट इज मेजर्ड इन डिग्री, डिग्रीज में मेजर्ड होता है, ठीक है। फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स आइदर पोल, इक्वेटर से शुरू होता है और सारे पोल्स की तरफ। वन डिग्री इक्वल टू 60 इक्वल पार्ट्स, एक डिग्री में हम 60 पार्ट कर सकते हैं।
एंड ईच यूनिट इज कॉल्ड मिनट, और हर एक यूनिट को मिनट बोला जाता है, समय वाला मिनट नहीं, ये अलग है। द मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स, और अगले मिनट को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा जाता है, जिसको सेकेंड्स बोलते हैं, ठीक है। द इक्वेटर इज टेकन एज अ स्ट्रेटनिंग लाइन। इक्वेटर को बेटा मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। सपोज ये आपका अर्थ है, ठीक है, तो लैटिट्यूड मतलब जैसे ये सर्कल है, फिर और सर्कल और सर्कल और सर्कल और मतलब पूरा सर्कल होता है ये अर्थ का, ठीक है। और ये जो बीच वाली लाइन है, जो भी आपकी बीच वाली लाइन है, ये मीडियन है। और ये है लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा बनाना है हमने, एक ये फिर ये फिर ये, देखो ये एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, ये इसकी तरह गोल नहीं है, तो ये सेमी सर्कल है। ये वाली जो है ये ऐसे बनती है आधी, तो ये सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, और ये पूरा बनता है यानी सर्कल्स, ठीक है, समझ में आ गया बात, ठीक है। और ये है हमारा ऊपर का होता है नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल, ठीक है। और इन्हीं को कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड, यानी ये जो लाइंस मैंने दोनों ड्रॉ करी है इनको बोलेंगे ग्रिड। किस चीज के लिए काम आती है ये, कोई भी लोकेशन को पता करने के काम आती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। इक्वेटर एक स्ट्रेट लाइन है जिसको हम जीरो डिग्री मार्क करते हैं, कितना डिग्री मार्क करते हैं, जीरो डिग्री, देखो आपको यहाँ पिक्चर में मार्क किया हुआ है जीरो डिग्री, ठीक है। द एंगुलर डिस्टेंस टू द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल विच इज इक्वेटर फ्रॉम द इक्वेटर इज 90 डिग्री ईच। अगर हम नॉर्थ पोल मार्क करें यहां पर या साउथ पोल मार्क करें तो कितना डिग्री बन रहा है, दोनों ही 90 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इज आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल राउंड द अर्थ, इट इज ऑल्सो मेजर्ड 1/4 ऑफ द 6 डिग्री 360 डिग्री। क्या है इक्वेटर पे, सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर पोल्स, यानी क्योंकि डिस्टेंस जो है इक्वेटर का दोनों पोल से 1/4 है एक सर्कल का, तो इसीलिए 1/4 क्या है, एक सर्कल में 360 डिग्री होते हैं, तो इसका भी क्या है 360 डिग्री का 1/4 यानी 90 डिग्री, ठीक है। ये देखो आप कहीं पे भी चल जाओ, यहां से ऊपर जा रहे हो तो पूरे सर्कल का 1/4 है, 1, 2, 3, 4 1/4 है इक्वल पार्ट्स, तो इसीलिए 360 का 1/4 है, 360 का 1/4 यानी 90 डिग्री। दस 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द साउथ लैटिट्यूड, ठीक है। तो इसीलिए लैटिट्यूड में यहां पर नॉर्थ और यहां पर 90 डिग्री पे साउथ मार्क किया हुआ है। एज सच ऑल पॉइंट्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड, सारे ही पॉइंट्स नॉर्थ की तरफ जो जाते हैं उसको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड। सिमिलरली ऑल पॉइंट्स साउथ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर साउथ की तरफ जाने वाले ऐसे ही सारे पोल साउथ लैटिट्यूड के कहलाए जाते हैं। दस काउंटिंग द इक्वेटर देयर विल बी टोटल ऑफ 181 पैरेलल ड्रॉन टू द अर्थ, और अगर आप ऐसे काउंट करोगे इक्वेटर से तो कितने हैं ये 181 पैरेलल है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, जनरली दे आर इंडिकेटेड बाय द लेटर एन एंड एस, और इसीलिए लैटिट्यूड की पोजिशन जब भी आप फाइंड करोगे तो वो एन और एस में हम जो है नॉर्थ या साउथ में बोले जाएंगे या फिर एन और एस में बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए, नाकुलम इन केरला एंड लिंडी इन तंजानिया अफ्रीका आर लोकेटेड एट द पैरेलल ऑफ 10 डिग्री लैटिट्यूड, यानी जब भी हम मेजर करेंगे किसी का भी डिस्टेंस तो नॉर्थ और साउथ को लेके चलेंगे, बट द फॉर्मर इज 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड द लेटर इज 100 साउथ ऑफ ईच, वी देयरफॉर से दैट रानाकुलम इज सिचुएटेड 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड लिंडी इज सिचुएटेड इन 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, मतलब ऐसे हम जो है मेजर करते हैं। तो आपकी फर्स्ट वीडियो जो है बेटा वो यहीं पर फिनिश होती है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करें।